प्रयागराज से बड़ी खबर है, गैर कानूनी धर्मांतरण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। गैर धर्म के युवक से शादी करने को लेकर फैसला आया है। धर्म परिवर्तन करने वाली युवती को देनी होगी गारंटी। कोर्ट ने 3 लाख की आर्थिक गारंटी देने का आदेश दिया है। युवती के पति को करानी होगी FD। युवती के पति को करानी होगी FD, ये गारंटी देनी होगी। 3 लाख रुपए की गारंटी। लफ्जिहाज से जुड़े मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। किसी भी धर्म के युवक से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करने वाली युवती को 3 लाख की आर्थिक गारंटी देने का निर्देश दिया गया है। युवती के पति को 3 लाख रुपए की FD कराने के आदेश हुए हैं। युवती के नाम पति को 1 महीने में कराना होगा 3 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट। युवती को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए कोर्ट का महत्वपूर्ण ये फैसला है। खासकर अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें तो निकाहनामे में मेहर की रकम काफ़ी कम होने की वजह से कोर्ट का फैसला। कोर्ट की टिप्पणी, पति के लिए धर्म परिवर्तन करने और परिवार वालों की नाराजगी झेलने वाली महिला को आर्थिक गारंटी मिलना जरूरी है। कोर्ट ने पति को 8 फरवरी से पहले FD कराकर उसकी ओरिजिनल कॉपी अदालत में पेश करने को लेकर कहा। एक मामले में 8 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। जस्टिस ललित श्रीवास्तव की सिंगल बेंच में हुई ये सुनवाई। बिजनौर की संगीता के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। मुस्लिम युवक से शादी के लिए संगीता ने किया था धर्म परिवर्तन। धर्म बदलने के बाद शाइस्ता परवीन रखा था नाम। शाइस्ता उर्फ संगीता के परिवार वाले शादी से थे नाराज। परिवार वालों द्वारा मारपीट करने के बाद सुरक्षा के लिए संगीता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। सुरक्षा की अर्जी दी। अदालत ने सुरक्षा के लिए बिजनौर के SP को निर्देशित किया। सुरक्षा और FD के अलावा भी कोर्ट की बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी। कोर्ट ने कहा, बालिग लोगों के शादीशुदा जीवन में परिवार समेत किसी को नहीं है बेवजह दखल देने का अधिकार। परिवार के लोग अगर चाहें तो सामाजिक संबंध भर खत्म कर सकते हैं। बेटे बेटी के जीवन में दखल देने या उनसे मारपीट करने और धमकाने का नहीं है कोई अधिकार। महज दिखावे के लिए परेशान करने की प्रथा देश व समाज पर एक धब्बे की तरह है। बालिग लोगों को अपनी पसंद के युवक और युवती के साथ रहने का पूरा अधिकार है।